मध्य प्रदेश के अन्न उत्सव को लेकर कांग्रेस विरोध में उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि बाढ़ के हालात में सरकार अन्न उत्सव का मजाक उड़ा रही है। पीएम मोदी और सीएम शिवराज के फोटो छपे थैले में अन्न देकर बीजेपी अपनी ब्रांडिंग कर रही है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, ग्रामीण अध्यक्ष अशोक सिंह, विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ ने सब तहस नहस कर दिया है, गरीबों का घर उजड़ गया है। इस समय उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन बीजेपी अन्न उत्सव मनाकर अपना ब्रांड उत्सव बना रही है। ये बाढ़ पीड़ित गरीब के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। आज पत्रकार वार्ता जिस तरह से जो है भाजपा अपनी ब्रांडिंग कर रही है और मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, दोनों अपने अपने फोटो लगा के और जिस तरह से अन्न उत्सव मनाने जा रहे थे, उसका हम लोगों ने विरोध किया। और परसों जब हमने इसका विरोध प्रकट कराया तो आज जानकारी मिली है कि उन्होंने अपना ये उत्सव स्थगित कर दिया। लेकिन हमारा कहना ये है, भले ही स्थगित कर दिया है, कि ये जो है गलत तरीका है। और आप जो है 75 थैले पर कंट्रोल पे भेज के बस वही 75 लोगों के जो है फोटो खिंच जाएंगे। वो जिस प्रकार कल के 7 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव के नाम पर जनता के साथ छलावा और जो जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम, गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, उसके विरोध में आज ये पत्रकार वार्ता का यह आयोजन किया है। एक तरफ गरीब आदमी अपनी राशन की पर्ची लिए घूम रहा है और उनको राशन नहीं मिल रहा है, दर दर की ठोकर खाता है, ओटीपी लाओ, ओटीपी लेके जाता है तो जिले आओ बुलाओ और उसमें उसको परेशानी हो रही है। अब पर्ची उनकी आई है एक दिन पहले और दूसरे दिन 31 तारीख जुलाई को कह दिया बंद हो गया, 31 जुलाई तक 2 किलो माँ का राशन गरीबों को फ्री मिलना था, अब वो बंद हो गए, लिए पर्ची घूम रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार उन गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है, सरकार अपनी ब्रांडिंग करने का काम, कोरोना की महामारी को छुपाने की नाकामी के छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना से लाखों लोग इस काल में समा गए, कोरोना की महामारी में समा गए और करोड़ों लोग उससे प्रभावित हुए। सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, अपने ड्यूटी नहीं निभा पाई, इस सबको छुपाने के लिए सब किया जा रहा है। कांग्रेस इसका विरोध करती है और ये अन्न उत्सव की तो आवश्यकता ही कहाँ है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने फूड सेफ्टी बिल ला के 1 रुपए में राशन की व्यवस्था कर दी है, इसको इसमें क्या इनको अगर अन्न उत्सव की जगह मनमोहन सिंह जी का अभिनंदन करना चाहिए, सोनिया गांधी जी का अभिनंदन करना चाहिए, राहुल गांधी जी का अभिनंदन करना चाहिए कि फूड सेफ्टी लाके गरीबों को इतने सस्ते में अनाज उपलब्ध कराए।